खबरों की तह तक जाए। नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा सिंह। महामना की बगिया कहे जाने वाले शिक्षा के मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रहे नर्सिंग के पाठ्यक्रम को NIC से मान्यता नहीं है। इस बात की सूचना जब नर्सिंग के छात्रों को हुई तो उन्होंने गुरुवार को अपनी फैकल्टी के सामने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। अभी छात्रों का धरना शुरू ही हुआ था कि चीफ प्रॉक्टर रोआइना सिंह वहां पहुंचकर छात्रों को हटाने लगी। विरोध करने पर चीफ प्रॉक्टर रोआइना सिंह ने एक छात्रा को थप्पड़ जड़ दिया। लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हुए, ये देखिए आप देख सकते हैं लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। लड़कियों के ऊपर हाथ उठा कर आप देख सकते हैं किस तरह से लड़कियों के ऊपर ये हाथ उठा रहे हैं, यही व्यवहार है यहाँ पे। जिसके बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड के कर्मचारियों ने एक छात्र को 20 सड़क पर जमकर पीटा। देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है, ये देख सकते हैं चीफ प्रोक्टर का लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। बाल के थप्पड़ मार रही है लड़कियों को, देख सकते हैं थप्पड़ मार रही है लड़कियों को, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं अभी लड़कियों के साथ क्या किया जा रहा है। पूरा मंजर आपके सामने है, यही है BSU में, बस लड़कियों के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। छात्रा है, हम लोग इसके अपने हमारा जो बैच है वो रिकॉग्नाइज नहीं है IMC के थ्रू, और हम लोग इसके डिमांड कर रहे थे कि 3 बैच रिकॉग्नाइज नहीं है, 15, 16, 17, और यहाँ पे जो हमारा एडमिशन हुआ है वैलिड नहीं है, और हमारे वो IMC हमें मना, ये कॉलेज को मना करके गए थे कि हाँ ऐसा कोई एडमिशन नहीं हो सकता, बट इन्होंने तब भी एडमिशन दिया है। और अब क्या नाम है, हम लोग इसके लिए कि हमारी डिग्रियाँ वैलिड की जाए उसके लिए हम मांग कर रहे थे कि आप कुछ हमें लिखित में कुछ तो दीजिए। हम लोग ये शांति प्रदर्शन से हम अपना बात मनवाना चाह रहे थे, बट ये लोग हम लोग पे हाथापाई पे उतर आए, और हम सभी छात्राओं कौन कौन आपके ऊपर हाथ छुड़ा हुआ? चीफ प्रॉक्टर जो है उन्होंने रोहिणा सिंह ने आते ही सीधा थप्पड़ मारा। जो आना मैम थी और पुलिस जो, तो मेल जेंट्स बहुत ज्यादा थे, सब जेंट्स थे कि लेडीज थे? लड़कियों के माने हैं, हम लोग 2 साल से जा रहे हैं IMS में, डायरेक्टर के पास, VC सबके पास जा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। किस बात को लेके आज आप यहाँ धरने पर बैठे थे? किस बात को लेकर? हमारी तो कमीशन नहीं है, पुलिस की शिकायत आपने किस से? हम लोग डायरेक्टर के पास गए, VC के पास गए, कॉलेज के जितने भी टीचर सबके पास गए, यहाँ पे प्रिंसिपल सबके पास गए, तब हम लोग धरना दिए। वहाँ से क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं देंगे। टीचर कह रहे हैं यहाँ तक नहीं देंगे। हम लोग के पास 4 साल तक मांग, हम लोग के पास एप्लीकेशन, हम लोग के पास एप्लीकेशन भी है। कल हम लोग गए थे डायरेक्टर के पास, वो बोले कि ये फर्जी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हम लोग के पास है, डायरी नंबर सब कुछ है, लेकिन बोले फर्जी, हम तुम लोग पास आए ही नहीं हो। आप इस धरने में कितने छात्रों का समर्थन शामिल है? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग रिकॉग्निशन हो, रिटर्न चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या कहना चाह रही हैं आप? विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या कहना चाहिए? और हमें हमारे जो अधिकार है वो क्यों नहीं मिल रहा, हमें क्यों मारा जा रहा है? जब हम ऐसा, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम मारपीट से यही अपने बात बनवाए, भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग आराम से करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। हमें लड़ाई नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए, हमें लड़ाई नहीं चाहिए। चीफ प्रॉक्टर आके कुछ हम लोग का बात नहीं सुनिए, बस वो पिटाई पिटाई स्टार्ट कर दिए बस। सब रोहिणा सिंह कौन होती है, वो हम लोग को थप्पड़ मार रही है, हटाना प्यार से बोले, लड़की को उठा उठा गाल पे मारे, कान पे मारे, उनका कौन सा अधिकार है ये सब करने का? बेटी बचाओ का अभियान लगा रही।